द्विवेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 16 जून को नॉर्थ ब्लॉक में बैठक बुलाने के निर्देश दिए। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का विरोध किया। कुरैशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ताबूत को कंधे पर उठाया और कहा कि यह आतंकवाद का जनाजा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। जावेद कुरैशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हंदवाड़ा बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। किसका जनाजा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? जम्मू के विभिन्न जिलों में हुए आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने प्रधानमंत्री से कहा कि अब जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। रमन भल्ला रियासी आतंकी हमले में निशाना बने बस ड्राइवर के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। जो परिवार वालों के साथियों की जाने यहाँ पे गई हमदर्दी का एहसास करने के लिए और दिल दिलाने वाली यह वारदात थी। चार दिन में के अंदर चार वारदातें यहाँ पे हुई, ये चिंता का विषय है। और दूसरा, टूरिज्म जो पिलग्रिम के तौर पे आते हैं, जो भक्तजन के तौर पे यहाँ पे आते हैं, कभी वो निशाने पे नहीं आए थे, लेकिन पहली मरतबा वो निशाने पे भी आए। और जब 2 महीने की छुट्टियाँ यहाँ पे हो, गर्मियों की छुट्टियाँ, पूरा परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और शिवखोड़ी में बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते लोग यहाँ हैं। पीक का सीज़न है, उस वक्त ऐसी वारदात होना तो कहीं ना कहीं लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो मैं समझता हूँ वो समस्या का समाधान नहीं, वो चरम राशि गई है कि आज इस परिवार वालों के साथी जो उनसे बिछड़ गए हैं, दिल की गहराइयों से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो लोग भी जख्मी हैं, दुआ करते हैं कि वो फौरी तौर पे ठीक हो, उनका पुख्ता इलाज यहाँ पे हो पाए और इनको जो भी कंपेंसेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपेंसेशन। अगर बाहर की रियासत वाले 1-1 करोड़ दे रहे हैं तो एलजी साहब से कहेंगे इनको भी अनटाइमली ये डेथ्स यहाँ पे हुई, छोटी छोटी उम्र के लोग थे, इनको भी उसी ढंग से कंपेंसेट किया जाए और नौकरी के लिए ज़्यादा देरी ना लगाई जाए, फौरी तौर पर इनको नौकरी दी जाए, जो भी इनका हकदार यहाँ पर है लीगल हेयर के हिसाब से। डीसी रियासी विशेष पाल महाजन ने आतंकी हमले में मारे गए बस चालक के घर पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि विजय शर्मा की विधवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि वो भविष्य में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ओ, मेरा बच्चा गया हा होड़ी गया, मेरा गड्डी ले गए, निके निके बच्चे रह गए, अगरवादियाँ मारू उड़िया, उन्हें निके बच्चे रही गए, मिम्मी उसे सारे ही मिगी भी उ'ऐ दिंदा खर्चा पानी, ओके भी हैन बेचारे दो सारे बेचारे इ'यां कोई लोकें दी दकानें पर गै कम्म करदे, अरे ओह् चलांदा हा बेचारा इक गड्डी ते ओह् बी इ'यां गै प्राइवेट गै बेचारा करदा, ओह् खरा बच्चें गी पाला दा, अरे हून गेआ उठी ओह्दे निक्के निक्के बच्चे रही गे, जनानी रही गे, इं'दा केह् बनो। बड्डा वैह डीसी साहब आए दे, ओह् आखा दे भाई नौकरी मिलो, सब किश करगे अस, हूँ के पता भी मिलती है जो नहीं किश। जब डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ पर आए और उन्होंने उनके साथ और भी बहुत सारे लोग अडीशन डीसी साहब भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया यहाँ पर कि इसकी जो कागज हैं वो हमें आप भेजिए कंप्लीट करके इसी फाइल, और हम इसका नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी फाइल इसकी भेजेंगे और इसका ऑर्डर करवाने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे। मीरवाइज उमर फारूक ने खीर भवानी मेले में हिस्सा लेने के लिए आए कश्मीरी पंडितों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय है और वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटे और मिलजुल कर रहे।
तांगे कृष्ण पंडित बरादरी को गुरु लीला खीर बवाई आशिवाय स्टार आदेश मसर कृष्ण पंडित यहां पे तो कृष्ण के जमा हम कृष्ण के नाम सास मन सासन में कृष्ण के सारे में खैर मतम का जो कश्मीर के लोग के एक आवाम शामिल तक मुतमनी ये जब कसन पंजन धर्म को वापस सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि खीर भवानी मेला दिलों को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो दिन आए जब वो अपने पंडित भाइयों का फिर से स्वागत करें। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के लिए नफरत नहीं बल्कि प्यार होना चाहिए। तारिगामी ने जम्मू संभाग में हाल ही में हुए आतंकी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सबसे ये मेला भाई आपस में बहने आपस में यहाँ मिल रहे हैं और ये हमारे लिए ईद है, यह हमारे लिए बड़ा शिवरात्रि का त्यौहार है आज। और ये एक दिन का वाका नहीं है, ये खीर भवानी का जो ये मेला है ये एक दिन का नहीं बल्कि आज हमारे दिलों का जोड़ हो रहा है, मिलाप हो रहा है। हमारे जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं वो आज अपने घर त्यौहार मनाने के लिए आए हैं और हम ये चाहेंगे, इसलिए मैं भी खड़ा हूँ यहाँ, वो दिन भी कब आए जब हम सब मिलकर इस्तकबाल कर ले अपने भाइयों और बहनों का। और ये वतन मेरा है, ये वतन मेरे दोस्त का है, इन भाइयों का है, बहनों का है, एक साथ मिलकर ललित और नंद ऋषि के वतन को सजाए। वो दिन कब आए ये हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है। और आज आपने देखा बड़ी तादाद में लोग आए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ये अच्छी इब्तिदा है, अच्छा आगाज है। लेकिन इसके साथ ही जो मुकामी सतह के लोग हैं यहाँ, भाई बहन हैं, मुसलमान जो ताल्लुक है उनका उस कम्युनिटी के साथ, वो इस्तकबाल में खड़े हैं और ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अशोक भान ने कहा कि यह सबसे अच्छा समय है जब कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के आगमन और
प्रस्थान और व्यवस्थाओं को देखकर पता चलता है कि कश्मीर के लोग कश्मीरी पंडितों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। भान ने कहा कि उन्होंने मीरवाइज और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी बात की और उन्होंने भी कहा कि हर कोई पंडितों की वापसी चाहता है। सिर्फ माता खीर भवानी के लिए नहीं बल्कि सारे कश्मीर के लिए और कश्मीरी पंडित समुदाय में एक वलवला है, एक जज्बा है, एक इमोशन है कि अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करें और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर विज़िट करें और इसी बहाने आज माता खीर भवानी के त्यौहार के बहाने काफ़ी लोग बाहर से आए हैं और जो यहाँ वेलकम मिला उनको गांदरबल के लोगों से, तुलमुला के लोगों से, बाकी शहर में कश्मीरी समुदाय से, कश्मीरी मुसलमानों से, वो काफ़ी जज्बाती था, वो काफ़ी इमोशनल था और आज कश्मीरी पंडितों में एक कॉन्फिडेंस सी दिख रही है कि अब शायद माहौल सही है कि हमारी घर वापसी हो सकती है। और मैंने काफ़ी लोगों से बात की अपने यहाँ के विज़िट में, मैं काफ़ी लेंथ और ब्रेड्थ वैली के गया, ऊडी से पहलगाम तक, पहलगाम से यहाँ और भी अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, सोईबुग, टीटवाल तक पहुँचा। मैं एक उत्साह देखा मैंने कश्मीरी मुसलमानों में, ये कहते हुए कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा लग रहा है। आज ये इमोशन दिख रहा है और ये काफ़ी वेलकम चेंज है, इसकी मैं पूरी सराहना करता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मोदी 3O है, इनको अब एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में घर वापसी का प्रयास सोचना चाहिए। और जो वलवला यहाँ हमने देखा, मैंने डॉक्टर फारूक साहब से भी बात की, मीरवाइज साहब से बात की, सिविल सोसाइटी से बात की और मुझे पूरा आश्वासन मिला, उनकी तरफ से नहीं, एक जज्बाती आश्वासन मुझे मिला कौम की तरफ से, कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से मजमूई तौर, कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आज मुमकिन है और यहाँ कश्मीरी लोग उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वो निर्दोषों की हत्या नहीं बल्कि शांति और समृद्धि चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में शांति नहीं चाहता। रविंद्र रैना ने तुलमुला में विशेष पूजा में शिरकत की। इस त्योहार को बड़ी शान के साथ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ माँ खीर भवानी के स्थान पर पूजा पाठ करके अमन शांति और खुशहाली, सुख समृद्धि की दुआ करते हैं और जो यहाँ नहीं पहुँचते वो अलग अलग स्थानों पर माँ दुर्गा अष्ट भवानी की पूजा करते हैं, माँ खीर भवानी की पूजा करते हैं। मिलिटेंसी अटैक्स वगैरह जो है जम्मू रीजन में हो रहे हैं अभी, तो उसका कोई खासा असर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया इसके बारे में? देखिए, हम अमन शांति और खुशहाली की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए, किसी बेगुनाह का कत्ल, किसी बेगुनाह गरीब को निशाना नहीं बनाना चाहिए। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली होती है, हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, लेकिन ये साजिशें, ये कोशिशें भी फेल होंगी और जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते की ओर आगे बढ़ेगा। आपको लगता है ये शिफ्ट हो गया कश्मीर से अब जम्मू में, क्यों, वजह क्या है? जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट जरूरी है। ये कोशिशें लगातार बॉर्डर पार से होती आई हैं कि यहाँ के अमन को बिगाड़ने की, लेकिन हम यहाँ के हालात बिगड़ने नहीं देंगे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। अंतर्गत गोरणी ब्लॉक के रूसी वन क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। बिलासपुर में स्कूल के पास लगी भयंकर आग, प्रशासन ने स्कूल के बच्चों को दी छुट्टी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
हिमाचल के नाहन में हेड कांस्टेबल का वायरल वीडियो का मामला, परिजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर किया हंगामा, कांस्टेबल की पत्नी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। चंबा के पर्यटक स्थलों में घूम रहे सैलानी, हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे चंबा, होमस्टे और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अनंतनाग के लोगरीपुरा अश्माकम में भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुए और मुबारकबाद दी। खीर भवानी स्थापना और शाह हमदान की जियारत का करीब है। कश्मीरी पंडित उर्स में शामिल हुए और मुस्लिम खीर भवानी स्थापन में शामिल हुए। लोगों का कहना है कि कश्मीर में ये भाईचारा सदियों से है। मेला खीर भवानी होता है, यहाँ भी मेला खीर भवानी का ही होता है, हवन वगैरह होता है। आज से हवन शुरू हो गया, कल इसकी पूर्ण आहुति होगी और हमारे साथ साथ यहाँ अमीर साहब का भी जियारत है, तो यहाँ पर भी इनका आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने से अपने वो तरीके से। तो हम इकट्ठे मिलजुल के ये आज पार पार करते हैं काम सारा, बड़ी खुशी से, बड़े जोश खरोश के साथ। यहाँ की बरादरी का भी सपोर्ट मिल रहा है और हम भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है यहाँ की बरादरी। पर हर साल हम ये फैशन यहाँ मनाने के आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, हर कोई सुविधा हमें मिलती है, अपने पड़ोसियों से भी, गवर्नमेंट से भी। बहुत लकी थी आजकल ये बड़ा दिन हमारे भी आया और हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा दिन आया, बड़ी खुशी के साथ वहाँ भी मना रहे हैं, यहाँ भी मना रहे हैं। ऐसा ऐसी मैसेज हम देना चाहते हैं कि हमेशा हम भाईचारा हमेशा जुड़ा रहे, वहाँ भी अटेंड करते हैं, यहाँ भी अटेंड करते हैं, हम भी वहाँ गए, हमने भी हाजिर लगाई और हमारे मुस्लिम भाई यहाँ मैक्सिमम आपने देखे दिन में आ रहे हैं, लेडीज आई सारे गले मिलते कि बड़े देर के बाद मिले। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तुलमुला में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाले खीर भवानी मेले में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि करीब 30,000 तीर्थयात्री यहां पहुंचे हैं और उनके लिए बेहतर व्यवस्था किए गए थे। सिन्हा ने कहा कि यहां यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने मेले को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूं कि एक बेहतर इंतजाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं, इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं और मैं समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मिलजुल करके इस मेले का भव्य आयोजन किया है। गांदरबल का जिला प्रशासन, हमारा रिलीफ कमिश्नर का डिपार्टमेंट और पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मेले को सफल बनाने के लिए जो भी इंतजाम कर सकते थे वो किया गया है बेहतर से बेहतर। गत वर्ष जब मैं आया था तो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की एक मांग थी कि यहां यात्री निवास बनना चाहिए, उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकृति प्रदान की, आज उसका शिलान्यास कर दिया गया है। 1,000 यात्री उसमें रह पाएंगे, मुझे बताया गया है कि आने वाले 8 महीने में यह भवन पूरा हो जाएगा और भी यात्रा की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं भविष्य में बढ़े इसकी हर कोशिश की जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकी घटनाओं के बढ़ते क्रम को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अखनूर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमांत इलाकों के गांव और शहरों में रात को गश्त बढ़ा दी है। चौक चौराहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और सड़क मार्ग से हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, उसके लिए हमने जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे आप हर जगह देखते होंगे कि जितने भी हमारे जो नाकाज हैं वो सारे अलर्ट हैं और मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आराम से बैठें, जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वैसे आप रहें, कोई ऐसा है नहीं है, इतना कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। जम्मू संवाद में लगातार चल रहे आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट को लेके अखनूर की बात करें तो अखनूर के सरहदी इलाके खोड, प्रगवाल, हर जगह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा नाके लगा के जगह जगह चेकिंग की जा रही है। शहर की बात करें, गांव की बात करें, आसमान से लेके जमीन तक चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी गई है। सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू एंड कश्मीर के जवान
हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो वाहन चालक हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं ताकि दुश्मन देश जो पाकिस्तान वो कोई अप्रिय घटना ना घटा सके। न्यूज 18 के लिए सुनील सिंह बाबू अखनूर। यागीपुरा मगाम के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली एजरा इकबाल ने 10वीं कक्षा में 496 अंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। एजरा की सफलता हर क्षेत्र में महसूस की जा रही है। उनके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते हैं। मैसेज रहेगी कि अब वो ओल्ड रीम नहीं रहा। आज हम इफ वी टेक अ लुक इन एवरी एस्पेक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ तो हम देख रहे हैं कि लड़के आजकल हर किसी फील्ड में आगे है, वेदर इट्स एडुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, और अगर हम 10th के रिजल्ट्स की बात करें तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर्स गर्ल्स है। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल। तालिबान का उनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेट कहता हूँ कि जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अच्छी पोजिशन लेकर, अच्छे नंबर लेकर अच्छी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ ये इसकी हकदार थी, इसने जो मेहनत की है। ये थोड़ी अपसेट थी कि पापा मुझे 500 में से 500 बराबर होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 4 मार्क्स मेरे कट गए, तो हमने उसको दिलासा दिया। बारामूला में कामराज साहित्यिक केंद्र ने अपने संस्थापकों की याद में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि और लेखक सैयद सदुद्दीन सादी ने की। डॉक्टर रफीक मसूदी, अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद रहे। के साथ आज इस मजलिस की सदारत डॉक्टर फारूक फयाज ने की, जबकि डॉक्टर गुलाम नबी उत्तू साहब जो मिशन डायरेक्टर हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी रहे हैं, वो तशरीफ़ आवर हुए थे हमारे मेहमान खसूसी के हवाले से। और भी हमारे बहुत सारे मेहमान जो अतराफ अकनाफ से आए थे इस तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए, उन सबका शुक्रिया। और हमने आज इस मिशन को दोहराया है कि हमारे असलाफ का जो मिशन है कश्मीरी ज़ुबान और अदब की तरवीज और कश्मीरी ज़ुबान की लिसानी तहरीक को मजबूत से मजबूत तर करना, उसको उस पर हम कारबंद रहेंगे, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, उस सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं है। जो भी लोग कश्मीरी ज़ुबान और अदब के हवाले से कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अदबी मरकज़ कमराज का बैनर और अदबी मरकज़ कमराज के दरवाज़े उनके पुरखलूस कोशिशों के सामने बिल्कुल दरवाज़े खुले हैं। सेना के करगिल ब्रिगेड द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। असगर अली विशिष्ट अतिथि पद्मश्री थे। कारगिल के ब्रिगेडियर कमांडर सम्मानित अतिथि थे। हरका बहादुर के नाम से आयोजित प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। यहां करगिल विजय दिवस समारोह का एक हिस्सा था। और मैं मल्सन और हरदास का प्लेयर हूं, तो यहां पर लगभग 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनमें से हम एक फाइनलिस्ट रहे और फ्रेंड पास को फाइनलिस्ट रहे, तो हम रनर अप रहे इस टूर्नामेंट में और फ्रेंड पास के विनर अप रहे। तो ये इंडियन आर्मी हर साल ये टूर्नामेंट चलाता है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे सुबेदार हरका बहादुर वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा और आज ये यहाँ पे फाइनल मैच हमारा फ्रेंड्स पश्कुम और बल्तिस्तान हरदास के माबीन था, और जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा गेम दिखाते हुए 3-0 सेट से ये गेम अपने नाम किया। तो मैं अपनी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, साथ ही साथ रनर अप टीम हरदास को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी फाइनल में बहुत अच्छा गेम दिखाया। और यूथ्स को जो है ऐसे मतलब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, क्योंकि इससे न सिर्फ यूथ्स का प्लेयर्स का गेम में इजाफा होता है बल्कि इसके साथ साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आता है। यहाँ आके स्पोर्ट्समैनशिप का, यहाँ आके टीम स्पिरिट सब कुछ सीखता है। इंडियन आर्मी की तरफ से चंद साल से वॉलीबॉल मैच का ये टूर्नामेंट का इनका किया जा रहा है, जो हमारे लिए बेहतरीन है। इंडियन आर्मी आज ही नहीं, जब से इंडियन आर्मी यहाँ आई है हर काम में हमारे मदद में आगे आगे रहा है। तो आज हमारा विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हुआ, तो इस खेल के इनका पर हम इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर मनु